सैम्पल एरर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, उसके काउंसलिंग के थे डायरेक्ट टेक्निक का यूज कर रहे हैं एजुकेशन में, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हो? टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आप अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे पा रहे हैं? पूछ रखा था सन, पूछ रखा था कौन से सन में क्या था, टीचर एजुकेशन पे क्या क्या मतलब इसमें ज्यादा तो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट, एसर्शन, रीजन, वो वाले क्वेश्चन। पेपर देख रहे हैं आप? हाँ भैया, पेपर देख के आ रहे हैं। ओके, क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुड़गांव से आए भैया हम लोग। गुड़गांव से? ओके, ये बताइए आपका एजुकेशन रहा होगा आज पेपर है ना, तो कैसा सवाल आ रहा है? अच्छा था पेपर, पढ़ा हुआ आया, रिजल्ट बाकी पता चलेगा बाद में। अच्छा, ये बताइए थोड़ा हिंट दे पाएंगे किस टाइप के सवाल आ रहा है? DI बहुत ईजी था और सारे क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड थे, अगर आप अच्छे से सोच पा रहे हो तो सॉल्व कर पाओगे। टेक्निकल एजुकेशन से क्या क्या आया, जैसे कि टेक्निक्स इन एजुकेशन? कुछ नहीं आया, बस ये पूछा था उसमें कि अगर टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में तो क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हो आप, और क्या केवल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आप अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे पा रहे हो, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है वो बेटर है टेक्नोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन। इम्प्रूवमेंट होना है? हाँ, कैसे? टीचर एजुकेशन से क्या क्या सवाल आया? टीचर एजुकेशन में बस यही आया था NCT किस से बिलोंग करती है, और अध्यापक शिक्षा के लिए क्या है, हमारे आयोग क्रम से लगाइए, कौन सा आयोग कब आया, आज़ादी से पहले बाद वाला, बस ज़्यादा कोई टफ नहीं था इसमें बस। ओके मैम, थैंक यू भैया। बस के लिए क्या क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है भैया? देखो, एक तो उसके थे सैम्पल एरर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, उसके काउंसलिंग के थे डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इस तरह के क्वेश्चन थे। और तो इन्होंने बताया तो, हाँ, अगर कंपैरिजन करें कि पिछले पेपर के लिए, पिछले साल के, तो इस बार का क्या है? पेपर ठीक है, अगर जिसने पढ़ा है उसके लिए कर लेगा, आराम से कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। तो इसमें और थोड़ा सा आपको एक दो सवाल याद हो या फिर रिसर्च से क्या क्या सवाल है? रिसर्च में ये था कि एक टाइप्स ऑफ रिसर्च है, एक ऑप्शन देके इसमें पूछा था टाइप कौन सी टाइप है, ये पूछा था रिसर्च में। अच्छा। जैसे एक्स फैक्टर रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सारी चीज़ पूछी थी उसमें। टीचर एजुकेशन से? टीचर एजुकेशन से मेरे हिसाब से वो पूछा था कि टीचर एजुकेशन किसके अंडर आता है, मतलब UGC के, NCERT के, NCT के, इन कौन सी जो ये प्रोग्राम्स हैं, इन कौन किसके अंडर आता है टीचर एजुकेशन? हाँ, इनके अंडर, ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ये बताए क्या कहते हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन? एजुकेशन को एक तो वो था जैसे जो गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन के लिए थे पैराग्राफ था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, वो उसके के लिए था उसमें। अच्छा, जब से पहले कौन सी पॉलिसी आई थी, किसने किसके अंडर आई थी, ये सारी पॉलिसी बताई गई थी। अच्छा अच्छा, आपने भी दिया? नहीं सर, मेरा भी है। अभी है आपका? आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा पंजाबी मैम। आपका? मैम एजुकेशन सब्जेक्ट मेरा। अच्छा मैम, कोचिंग वगैरह लिया था आप लोगों ने? नो, विदाउट कोचिंग। विदाउट कोचिंग? अभी कहीं पोस्टेड है? नहीं 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 नहीं, अभी मेरा छोटा बच्चा है वो घर पे ही है, उसके साथ ही मतलब जैसी तैयारी हुई है घर पे ही की है, देखते रहिए। अच्छा, सेल्फ तैयारी हुई? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आपको कंपैरेटिवली इजी लगा या? बिल्कुल इजी था। हाँ जी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया? बिल्कुल अटेम्प्ट करके आए। कहाँ से आया था? महम से। ये बताइए मतलब एजुकेशन में अभी कैसा सवाल आ रहा है, टफ आ रहा है या बिल्कुल इजी आ रहा है एजुकेशन से? थोड़ा डिटेल में बताइए ना, कौन कौन से टॉपिक से क्या सवाल आ रहा है, थोड़ा एनसीटी से क्वेश्चन से, एनालॉजी से क्वेश्चन से, टीचर एजुकेशन से क्या क्या क्वेश्चन? टीचर एजुकेशन में बिल्कुल पूछ रखा था सन, पूछ रखा था कौन से सन में क्या था, टीचर एजुकेशन पे क्या क्या मतलब, रिसर्च पे क्वेश्चन थे, रिसर्च पे 2-3 ही क्वेश्चन थे बस। अच्छा, रिसर्च में याद है आपको वो क्वेश्चन? हाइपोथेसिस से रिलेटेड था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बस इससे रिलेटेड, वैलिडिटी पे था, रिलायबिलिटी पे था, बस इसी में था। पेडागोजी से? पेडागोजी का इतना खास नहीं था, बट लर्निंग से क्वेश्चन से। अच्छा अच्छा, हाँ जी बस। ओके, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा गया आपका? बिल्कुल। कोचिंग कहाँ से लिया था? कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से किया? आकांक्षा। कहाँ से आप? नोएडा से। ओके, आपका सब्जेक्ट क्या था? एजुकेशन। एजुकेशन में अगर बात करें तो कैसा सवाल आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है? लेवल तो ठीक ही है, थोड़ा एक्सपीरियंस की और थोड़ी स्टडी की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते कि इसको आसानी से अटेम्प्ट किया जा सके, तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए टेक्निक्स इन एजुकेशन, इस टॉपिक पे कोई सवाल आया था? हाँ, इस पे आया था। हाँ। टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें, बट इसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट, एसर्शन, रीज़न, वो वाले क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा थे। ओके, और थोड़ा सा डिटेल में बताइए कौन कौन से टॉपिक में, मतलब थोड़ा सा हिंट दीजिए कैसा सवाल आ रहा है। टॉपिक इसमें जैसे कि यूनिट ऑलरेडी हैं ही, तो उन्हीं यूनिट्स पे बेस्ड ही आए थे। थोड़ा मैथ्स रीजनिंग कम था, वो वाला पोर्शन इसमें कम था मैथ्स एंड रीजनिंग का, अदरवाइज सभी टॉपिक्स कवर्ड थे इसमें। पेडागोजी से एक दो सवाल आप हिंट दे पाएंगे?
अभी तो एक्चुअली मुझे कुछ भी याद नहीं है. पेडागोजी से थे क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं थे, एक या दो थे, बट आई डोंट रिमेम्बर दिस टाइम.